हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है द वाई यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, जो हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की सैम्पल सेंटेंस का टॉपिक है बेटा। जो देखेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा, देखें इसका प्रयोग कब करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों तब इसका प्रयोग करते हैं। तो देखें फर्स्ट रूल बेटा, फर्स्ट रूल कहता है आपका, जब प्रथम वाक्य में इज एम आर बाज बर विल बी शैल बी दिया हो, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद एज एम आर बाजवर बिल बी सेल बी को बींग में बदल देंगे। बींग में बदलने के बाद हम दोनों वाक्यों के बीच में कॉमा लगा देंगे, फिर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। सो देखें जैसे सूत्र है इसका, सब्जेक्ट प्लस बींग प्लस एडजेक्टिव प्लस कॉमा प्लस सेकंड वाक्य। कहने का मतलब बेटा, हम किसी भी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मात्र एज एम आर बाजवर बिल बी और सेल बी के स्थान पर क्या लगाना बेटा, बींग। तो देखें द डे बाज हॉट आई कुड नॉट डू माई वर्क। देखो प्रथम वाक्य करता है द डे और दूसरे वाक्य करता है आई, तो मैंने ऊपर किया है जब दोनों वाक्यों कर्ता अलग अलग होते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। तो देखें द डे बाज वर्क को क्या बदल दिया बेटा, बींग में हॉट कॉमा, अब हमने अगला वाक्य को कहा से जोड़ दिया, कॉमा से जोड़ दिया, आई कुड नॉट डू माई वर्क। क्लियर। अगला वाक्य देखते हैं, इट वॉज संडे येस्टरडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो देखिए पहले वाक्य कर्ता इट है, दूसरे वाक्य कर्ता आई है और बाज दिया गया, तो हमने इट का इट लिख दिया, बाज वर्क को क्या बदल दिया बेटा, बाज को बीइंग में संडे येस्टरडे, सेम टू सेम उतर गया। अगले वाक्य को कैसे जोड़ेंगे, कॉमा से, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। अगला वाक्य देखेंगे, द टीचर इज एबसेंट द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज। इधर बेटा करता द टीचर है, उधर द बॉयज है, अलग अलग हैं, तो द टीचर इज एम आर को बीइंग एबसेंट कॉमा द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज। क्लियर। अगला वाक्य बेटा, द हॉलीडेज आर एट द एंड द स्टूडेंट्स आर कमिंग बैक टू स्कूल। तो द हॉलीडेज की हॉलीडेज करें, आर का बेटा हमने बीइंग में बदल दिया एट द एंड। क्लियर। अगले वाक्य को द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स है बेटा, नीचे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आर कमिंग बैक टू स्कूल। क्लियर। तो वीडियो आपके पसंद आ रही होगी, तो फ्रेंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं, हमारा सेकंड रूल है, देखेंगे सेकंड रूल कहता है हमारा, वाक्य एक्टिव वॉइस में दिया हो, वाक्य एक्टिव वॉइस में दिया हो तब क्या करेंगे। तो देखें सूत्र, सब्जेक्ट के बाद हम बेटा हैविंग लगा देते हैं एक्टिव वॉइस में दिया होगा, तो सूत्र देख लें, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस कॉमा प्लस सेकंड वाक्य। लेकिन द पुलिस अराइव्ड द रॉबर्स रैन अवे, ये वाक्य बेटा एक्टिव वॉइस में है। तो देखें इसमें वाक्य एक्टिव वॉइस में दिया है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें हैविंग लगानी है और थर्ड फॉर्म लगानी है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। फिर तो द पुलिस का पुलिस लिख दिया, हैविंग लिख दिया, अराइव्ड की थर्ड फॉर्म अराइव्ड हो गया। अगला वाक्य यूं जोड़ देते हैं, द रॉबर्स रैन अवे। अगला वाक्य द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड, द सन का सन कर दिया, हैविंग लिख दिया, रोज की थर्ड फॉर्म कर दी बेटा राइजिंग। अगला वाक्य द फॉग डिसअपीयर्ड। आगे द टीचर एंटर्ड द क्लास द बॉयज बिकेम साइलेंट। तो बेटा देखें
टीचर का, द टीचर कर दिया हैविंग एंटर्ड द क्लास कॉमा, अगला वाक्य जोड़ दो द बॉयज बीकेम साइलेंट, क्लियर। अगला वाक्य द बेल रिंग द स्टूडेंट केम आउट ऑफ देयर रूम्स, तो द बेल का द बेल हो गया, हैविंग रंग कॉमा द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ देयर रूम्स। अगला रूल देखेंगे, वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हो। मैं आपको सबसे पहले बता दूं पैसिव वॉइस की पहचान क्या होगी, वाजिबल लगा होगा, हैविंग बीन होगा, प्लस मेनर की थर्ड फॉर्म लगी होगी या बाई लगा होगा, तो समझे वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो इसका सूत्र देखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें हैविंग बीन लगाएंगे, वाजिबल को हटा देंगे, हैविंग बीन को भी हटा देंगे, होने पर प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस कॉमा प्लस सेकंड वाक्य, कोई परत नहीं करेंगे। तो देखें द कैप्टन वाज सूट द आर्मी फ्लेड अवे, देखो बाजवर के बाद हमेशा क्या आती है, आई एन जी आती है या नाउन आएगा, इसमें क्या दिया है बेटा, बाजवर के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो बाजवर के बाद थर्ड फॉर्म आने पर हम बाजवर को कायम बदल रहे हैं इसमें हैविंग बीन में। तो देखें द कैप्टन बाज की जगह लगा दिया हैविंग बीन सूट कॉमा, अगला वाक्य कैसे द आर्मी फ्लेड अवे। अगला नंबर है द बुक हैज बीन पब्लिश्ड द राइटर इज हैप्पी, द बुक मान किताब हैज बीन पब्लिश्ड प्रकाशित हो गई, द राइटर इज हैप्पी लेखक खुश है। देखें हैव बीन की जगह बेटा हम क्या कर देंगे हैविंग बीन, तो द बुक हैविंग बीन पब्लिश्ड कॉमा द राइटर इज हैप्पी। अगला वाक्य द रॉबर वाज कॉट बाई द ब्लेजर्स, द ब्लेजर्स हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस, द रॉबर डाकू वाज कॉट पकड़ा गया, बाई द पुलिस पुलिस के द्वारा, बाई द ब्लेजर्स गांव वालों के द्वारा, चोर गांव वालों के द्वारा पकड़ा गया, द ब्लेजर्स गांव वालों ने हैंडेड उसे दे दिया है, हैंडल में दे दिया हिम्मत उसे ओवर टू द पुलिस पुलिस के लिए, गांव वालों ने उसे पुलिस के लिए दे दिया। आगे देखेंगे इसको, द रॉबर हैविंग बीन कॉट बाय द विलेजर्स कॉमा द विलेजर्स हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस। अगला एग्जांपल लास्ट, द पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टूडेंट स्टार्टेड राइटिंग, तो बेटा वर्क की जगह पे हमने क्या कर दिया हैविंग बीन, द पेपर्स हैविंग बीन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमा द स्टूडेंट्स स्टार्टेड राइटिंग। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए।